नमस्कार दोस्तों, अभी अभी 2 मिनट पहले की सबसे बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। गाजियाबाद में एक बार फिर कुछ कावड़ियों ने जमकर उत्पात मचा दिया है। सोमवार रात सिहानी गेट क्षेत्र में कावड़ियों ने एक किन्नर को बुरी तरीके से पीट डाला। चोरी की आशंकाओं में उन्होंने किन्नर को बुरी तरह पीटा, उसके कपड़े फाड़कर उसे न्यूड कर दिया है। सूचना पर पहुंची पुलिस के सामने भी कांवड़िए किन्नर को पीटते रहे। पुलिस ने जैसे तैसे पीड़ित को बचाया। पुलिस का कहना है कि गलत फहमी के चलते घटना हुई, चोरी जैसी कोई बात सामने नहीं आई है। जानकारी के मुताबिक मूल रूप से दिल्ली निवासी किन्नर सिहानी गेट थाना क्षेत्र में रहता है। सोमवार रात वह मेरठ रोड स्थित घूकना कट के पास स्थित कांवड़ शिविर के आसपास घूम रहा था। इसी दौरान कांवड़ियों ने शिविर में चोरी के मकसद से आने का आरोप लगाते हुए किन्नर की पिटाई शुरू कर दी। सूचना मिलते ही सिहानी गेट पुलिस मौके पर पहुंची और कांवड़ियों को शांत करने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस के सामने भी कांवड़िए किन्नर के साथ मारपीट करते रहे। मामला बिगड़ता देख पुलिस ने जैसे तैसे किन्नर को कांवड़ियों से बचाया और गाड़ी में थाने लेकर आई। एसीपी नंदग्राम रवि कुमार सिंह का कहना है कि प्रारंभिक जांच में किन्नर द्वारा चोरी के प्रयास जैसी कोई घटना सामने नहीं आई है, गलत फहमी में घटना हुई, पूछताछ के बाद किन्नर को छोड़ दिया गया है। बताया जा रहा है कि कांवड़िए काफी आक्रोशित थे। पुलिस किन्नर को ले जाने की कोशिश करने लगी तो कांवड़ियों ने उसे पुलिस से छीनने का प्रयास किया। पुलिस ने किन्नर को गाड़ी में बैठाया तो कांवड़िए सामने खड़े हो गए और पुलिस की गाड़ी का बोनट पीटने लगे। काफी कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस किन्नर को लेकर मौके से निकली है। फिलहाल पुलिस अधिकारी पूरे मामले की जांच कर रही है। तो दोस्तों, अब तक की सबसे बड़ी खबर इस वक्त आ रही है गाजियाबाद से। आप अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें, चैनल को सब्सक्राइब करें।